नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई वीडियो में। आज वर्ल्ड योगा डे है और इसको भी पूरी तरीके से इवेंट बना के दिखाया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है आपके सामने कि जैसे योगा से ही सारी देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे मोदी जी। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी योगा से नहीं होगा। हमारे देश में क्या हालत हुई पड़ी है, क्या परिस्थितियां हैं, चाहे आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए या फिर तमिलनाडु देख लीजिए, हर जगह पर अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लेकिन मोदी जी यहां पर योगा डे जैसी बकवास चीज़ों में फ़ोटो ऑप कराने में बिजी बैठे हैं। अब दोस्तों, साल में कुछ दो तीन ऐसे मौके आते हैं जब मोदी जी कुछ बहुत फनी सी फोटोज लेकर आते हैं और बहुत ट्रोल करे जाते हैं सोशल मीडिया पे। मोदी जी की उल्टी सीधी उल जलूल फोटोज आती हैं और हमारे को उसके बाद हफ्तों तक के लिए हंसने का काम मिल जाता है, सामग्री मसाला मिल जाता है। वैसे ही कुछ दिनों में से एक है योगा डे। एक होता है योगा डे, फिर उसके बाद होता है स्पोर्ट्स डे, हेल्थ डे, इस तरीके कुछ दिन होते हैं जब मोदी जी भागते हैं डंडा लेकर और तरीके तरीके के काम करते हैं। उसके बाद 3-4 महीने तक लगभग हमारा देश मोदी जी की फोटोज को देख देख के हंसता रहता है, मोदी जी की ट्रोलिंग होती रहती है। तो आज योगा डे पर भी बहुत सारी ऐसी फोटोज आई, गोदी मीडिया वहीं दूसरी तरफ आज बिजी था। तो एक तरीके से कह सकते हैं आज एक गुड डे है, क्योंकि गोदी मीडिया के पास आज डिबेट कर रहे हो कुछ नहीं है। आज गोदी मीडिया जो है मोदी जी को ग्लोरीफाई करके दिखा रहा था। गोदी मोदी आपको याद है ना, तो गोदी मीडिया जो है आज मोदी जी को ग्लोरीफाई करके दिखाने में लगा हुआ है और उनके पास डिबेट के लिए कोई मसाला नहीं है। तो आज हमारे लिए एक नेशनल पीस डे भी हो सकता है। लेकिन क्या योगा से होगा मोदी जी का सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे मोदी जी, इसी के बारे में ये वीडियो है। आप चाहे बिहार देख लीजिए, बिहार की परेशानी देख लीजिए, एंसेफेलाइटिस की परेशानी देख लीजिए, 150 के आसपास वहां पर बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जिसके साथ वहां की सरकार सामने आई हो। परमानेंट सॉल्यूशन तो छोड़िए, वहां के हेल्थ मिनिस्टर कितनी विकेट गिरेंगे ये पूछ रहे हैं। इस तरीके के हेल्थ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहां के हेल्थ कंडीशंस आखिरकार क्या होंगी। रोज बच्चे मर रहे हैं, रोज बच्चों की मौतें हो रही हैं, कहीं पर कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा इलाज नहीं है, कहीं आईसीयूज नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है। और गोदी मीडिया के कुछ फालतू के पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर में जाकर हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी ने फाइनली एक ट्वीट कर दिया बिहार के लिए। मुझे लगता है कि बिहार की जनता को एहसान मंद होना चाहिए मोदी जी का कि उन्होंने फाइनली एक ट्वीट कर दिया वहां के मरते हुए बच्चों के लिए, वरना वो इतना भी नहीं करते शायद। मोदी जी के पास और भी जरूरी काम थे, मोदी जी को और जगहों पे भी जाना था, मोदी जी को घूमने जाना था, मोदी जी को लोगों से मिलना था, उनके पास टाइम ही नहीं था इस चीज के लिए। तो इन सब चीजों के बीच में मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, और मुझे पता है मोदी जी वैसे इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन उनके अनभक्त इस चीज का निकल के जवाब दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में वो चाहे गाली ही दें क्योंकि उनके पास जवाब देने को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस चीज का जवाब दे सकते हैं निकल के कि किस तरीके से मोदी जी आज की डेट में जनता की मदद कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया बिहार की प्रॉब्लम, उसी तरीके से बिहार से भी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, वो पैन इंडिया आई हुई है, लेकिन बड़े लेवल पे जो इस टाइम जो न्यूज हमारे को मिल रही है वो है चेन्नई से। लगभग 46 लाख लोग वहां पर अफेक्टेड हो चुके हैं पानी के सूखे से। नलकों में हफ्तों से पानी नहीं आया, जो वहां के वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, जो वहां के जो पानी के स्रोत हैं वो सूखे पड़े हैं। कारण ये है कि वहां पर बहुत लंबे समय से बारिश नहीं पड़ी है और चेन्नई जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है अपनी बारिशों पे, अपने पानी के लिए। 200 दिन से वहाँ पर बारिश का एक बूंद तक नहीं टपकी है। वहाँ के जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं चेन्नई के आसपास के सूखे पड़े हैं, जैसा मैंने बताया नलकों में पानी नहीं है और वाटर रैशनिंग शुरू हो चुकी है। चेन्नई में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े जायंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडिया की भी बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने वाटर रैशनिंग शुरू कर दिया। उन्होंने क्या क्या कहा है, किस तरीके से वाटर रैशनिंग शुरू करी है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि भाई साहब घर पे से बैठिए काम करिए। वैसे यूजुअली क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो जब तक आपकी शक्ल ना देख ले तब तक उसके पेट का खाना नहीं पचता, चाहे उसको आपसे कोई काम ना हो उस दिन, उसको आपसे कोई मतलब ना हो, आपका 1% भी उस दिन काम ना हो। लेकिन अगर उसने आपकी शक्ल नहीं देखी है तो उसका दिन पूरा नहीं होता, वो तिलमिलाने लग जाता है। लेकिन चेन्नई में विपरीत सिचुएशन हो चुकी है, बिल्कुल उल्टी सिचुएशन हो चुकी है। वहाँ के एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, भाई साहब आप प्लीज़ अपने घर पर बैठिए, वर्क फ्रॉम होम करिए और हमारा पानी बचाइए, क्योंकि वहाँ पर पानी की राशनिंग हुई हुई है।
अब आप सोच सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा बिगड़ चुके होंगे। एक स्टडी थोड़े दिन पहले आई थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था 2020 तक दिल्ली और बहुत सारी और स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ना के बराबर पहुंच जाएगा। और चेन्नई में ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो चुकी हैं, चेन्नई उस दरवाजे पे आके खड़ा हो चुका है जहां पर पानी के लिए प्यासे तरस रहे हैं वहां के लोग। लेकिन मोदी जी बिजी हैं योगा डे के लिए फोटो अप कराने के लिए, मोदी जी बिजी हैं मोटू और पतलू के साथ अपना योगा डे मनाने में। ये कर रहा है हमारे देश का प्रधानमंत्री। ना बिहार पे कोई जवाब है, ना ही चेन्नई जैसी वाटर क्राइसिस पे कोई जवाब है। वाटर क्राइसिस की अगर बात करें तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो लोगों ने अभी बनाई रिसेंटली, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुली, सरकार की नींद नहीं खुली, कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। अरे आप चेन्नई छोड़ दीजिए, दिल्ली में बहुत लंबे समय से पानी के लिए हाहाकार मच रही है, लेकिन मोदी जी ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी है दिल्ली में। हालांकि वो दिल्ली में खुद रहते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी है जिससे दिल्ली के लोगों को पानी मुहैया कराया जा सके। तो ओवरऑल पूरे देश में सूखे की अगर सिचुएशन की बात करूं या पानी की सिचुएशन की बात करूं तो पूरे देश में कहीं ना कहीं पानी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हुई पड़ी है इस टाइम पे। चाहे इनफैक्ट बिहार में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पानी की सिचुएशन खराब है। तो इन सब चीज़ों का जवाब हमारे को आखिरकार निकल के कौन देगा? क्या योगा से ये सब प्रॉब्लम्स का हल होगा? यही जानना चाहता है हमारा देश भी और यही जानना चाहते हैं हम जैसे लोग। मोदी जी निकल के जैसे मैंने बताया कि जवाब नहीं देंगे, लेकिन उनके अंधभक्त, उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स निकल के जवाब दे सकते हैं। अगर आपको देना है जवाब दो। गाली तो आप रोज ही देते हो, लेकिन अगर आप में जरा सा भी यहाँ पर टॉप फ्लोर पे आपके थोड़ा बुद्धि है, दिमाग है और इसमें गोबर नहीं भरा हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब दो कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि आप तो भाई मोदी जी के बिल्कुल हर जगह घूमते हो, उनके पपेट्स हो, उनके लोग हो, तो आप अगर मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे तो प्लीज़ कम से कम आप लोग इस चीज़ का जवाब दे दो और बता दो कि क्या योगा से ही इस देश की प्रॉब्लम्स का हल होगा। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि पानी की सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं। और जैसे कि मैं भी दिल्ली में रहता हूं और अगले साल जो बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी ग्राउंड लेवल वाटर बिल्कुल ख़त्म पे आ जाएगा, बिल्कुल जीरो पे आने वाला है, तो यकीनन हमारे सामने भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस इस टाइम खड़े हुए हैं। क्या होगा अगले साल आने वाले समय में? पिछले साल शिमला में पानी की प्रॉब्लम हुई थी, इस साल ऋषिकेश में, नैनीताल में, चेन्नई में और जगह जगह पर हो रही है, और आने वाले सालों में प्रॉब्लम बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें जय श्री राम और अल्लाह अकबर से फ़र्क पड़ता है, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि देश की जनता सूखी मर रही है, सूखे से मर रही है, या फिर एंसेफेलाइटिस से देश के बच्चे मर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और हम ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को चुन करके भेजते हैं, चाहे उनके ऊपर टेररिज्म के 100-100 केसेस क्यों ना लगे हों, हम उनको वोट देकर, हिंदुत्व के नाम पर वोट देकर पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सवाल पूछिए, सवाल का सिलसिला मत छोड़िए। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपको तुरंत मसाला नहीं मिलेगा, तुरंत चस्का नहीं चढ़ेगा, मज़ा नहीं आएगा, कोई एकदम से थ्रिल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यकीन मानिए जब पानी से, सूखे से आपकी जान निकल रही होगी तो आपकी लाइफ में सारा थ्रिल अपने आप वापस आ जाएगा। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी आपके सामने आके खड़ी होने वाली है। अगर आप लोग पानी को भी बचाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग पानी को अभी भी बचाना चाहते हैं तो रोज़ दिन में एक घंटा ऐसा निकालिए जब पानी इस्तेमाल आप ना करें। चाहे आपको प्यास लगे, चाहे आपको सुसु जाना हो, चाहे आपको पॉटी जाना हो, चाहे आपको कुछ भी काम करना हो, लेकिन पानी का इस्तेमाल मत करिए। तब आपको समझ आएगा कि आखिरकार आपकी ज़िंदगी में पानी की अहमियत क्या है और किस चीज़ की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए, जिससे हर लेटेस्ट आइडिया आप तक पहुँच पाए, जिससे हर लेटेस्ट मैसेज मैं आप तक पुट अक्रॉस कर पाऊँ। मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन आया, जहाँ पर मैंने आपको वीवीपैट स्लिप्स के बारे में बताया और ये बताया कि ईवीएम को एक्सपोज करने का एक लिजिट वे है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और यकीनन इस चीज़ को उनका आइडिया लेके हम आगे बढ़ाएंगे, इस आगे प्रोटेस्ट को खड़ा करेंगे। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो आई बटन पे दबा के वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज पे जाके जुड़ सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।